हेलो दोस्तों, आ गई मैं आज आपको आप लोगों के साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके। ये है दही फ्राई। बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही अच्छे से टेस्टी बनता है। जैसे किसी को सब्जी वगैरह पसंद नहीं है, मतलब कुछ भी टाइम जैसे नहीं है घर पे, तो कम से कम दही रखा हो फ्रेश, उसको अच्छे से मतलब बना लीजिएगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो मैं आपको याद दिला दूं, अगर जो लोग वीडियो में नए जुड़े हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मज़ेदार आप लोगों को कहीं भी देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्योंकि ये बिल्कुल एकदम देसी घर का खाना है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, इसमें कोई भी मिलावट वगैरह यूज नहीं होती। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो में जुड़ जाइएगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये प्याज प्याज दो ले लिए, एक पूरी लहसुन की कली है। तो सोचा आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो भी शेयर हो जाएगी। और ये देखिए, मैं प्याज वगैरह अच्छे से बारीक काट के रख लेना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी को बिल्कुल भी आप भूलना मत बनाना, क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, क्योंकि ये दही से बनेगी ना। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, अगर दही आपका खट्टा है तो ये रेसिपी बिल्कुल मत बनाइएगा। ये रेसिपी मतलब ताज़े दही से ही बनती है, क्योंकि खट्टे से थोड़ा। और ये सलाद के लिए अच्छे से कट के प्याज काट के रख लिया था, और ये वीडियो नहीं आई है। जो प्याज जो सलाद में हमने मसाले वगैरह मिलाए थे, पता नहीं कैसे कट हो गई। तो ये देखिए, सारे जो मसाले थे वो अच्छे से काट के रख लिए है, जैसे प्याज, हरी मिर्ची, अदरक का एक टुकड़ा, इसको कद्दूकस कर लेंगे, साथ में लहसुन, और कुछ भी नहीं है। और ये देखिए, ये दही एकदम बढ़िया स्मूथ ताज़ा देसी घर का, बहुत ही ताज़ा ताज़ा लग रहा है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। तो ये रेसिपी सारी दही में बनेगी, इसमें पानी वगैरह का यूज नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं कैसे वीडियो थोड़ी सी डिलीट हो गई थी दही की, तो मैंने आप लोगों को पूरी वीडियो नहीं दिखा पाई। तो प्लीज़ वीडियो में मैं आपको वैसे ही बता दूंगी बोल के, जो भी गलती हुई है वो देखिए। और सबसे पहले अच्छे से कढ़ाई को कर लेंगे गरम गरम, उसमें रख दिया थोड़ा सा ऑयल, और जो साथ में रखे थे ना, पहले सबसे पहले जीरा और लहसुन को अच्छे से भून लेंगे, साथ में ही अदरक को भी हम डाल देंगे जो कद्दूकस करके रखा है। इससे क्या है, ये दही फ्राई बनना है ना, तो शायद आप लोगों ने कभी बनाए हो या ना बनाए, मैंने तो ये रेसिपी पहली बार बनाई, तो सोचा आपके साथ थोड़ी सी वीडियो भी शेयर हो जाएगी और रेसिपी भी रेडी हो जाएगी। तो बढ़िया बनती है ये वैसे तो, पर बस दही का ही थोड़ा सा मैटर है। दही एकदम बढ़िया खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम ताज़ा होना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोगों को फिर से याद दिला दूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोग वीडियो देखते हो जो नए है ना, और पुराने लोगों ने तो सब्सक्राइब कर रखा है, जो नए है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। और देखते हो तो सब्सक्राइब करने में क्या पैसे लगते हैं, तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाइएगा। मैं आपको ऐसी नई नई रेसिपी ला के दूँगी जो आपको बहुत ही टेस्ट लगे। तो बस देखिए, इसको अच्छे से गर्म कर लिया था और इसमें ना दही डाल दिया था, वो वीडियो सारी स्किप हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दीजिए। उसके बाद देखिए, सबसे पहले इसमें डाल दिया है गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्ची थोड़ी सी, क्योंकि इसमें पहले से हरी मिर्ची डली है ना, तो बस इस तरह से सारे मसाले डाल दिए हैं, और कुछ भी नहीं डाला, धनिया है जैसे सूखा, नमक वगैरह, और दही डाल दिया है। उसके बाद 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया था, और हमारी ये दही फ्राई की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी थी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी है। और फिर मैं आपको नई नई तरह की वीडियो और लेके आऊँगी, तब तक मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी सी यही वाली, बस इस तरह से इसी में डाल दिया था दही। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मिला लेंगे, चला लेंगे, जो भी ऊपर है वो
और कुछ भी नहीं डाला। और देखिए बहुत ही टेस्टी बना था ये, एकदम बढ़िया स्मूथ तरीके से। तो मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, कोई नई वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे श्याम।